क्या दोस्तों आप भी WhatsApp पर डॉक्यूमेंट्स से फ़ोटो कैसे भेजें जानना चाहते हैं? क्या दोस्तों आप भी डॉक्यूमेंट्स में फ़ोटो कैसे सेंड करें जानना चाहते हैं? तो भाई इस वीडियो में शुरू से लेकर लास्ट तक बने रहिए। हेलो नमस्ते, मैं बिमलेश आपके अपने ही YouTube चैनल ऑफिशियल बिमलेश में स्वागत करता हूँ। तो चलिए दोस्तों आपको बताते हैं बगैर किसी क्वालिटी के ख़राब किए हुए आप WhatsApp पे जो फ़ोटो भेजते हैं किस तरीके से भेज पाओगे बगैर किसी क्वालिटी ख़राब किए हुए, वो भी आप एकदम ईजिली तरीके से कर पाओगे। दोस्तों सिंपल से आपको अपने WhatsApp में आ जाना होगा, जैसे कि मैं आ चुका हूँ। यहाँ पे आपको वो खोल लेनी होगी चैट जिसमें आप भेजना चाहते हो, जैसा कि दोस्तों मैंने यहाँ पे खोल ली है। यहाँ पे हम क्लिक करेंगे मीडिया के यहाँ पे ऑप्शन पे, यहाँ पे आपको मिल जाएगा डॉक्यूमेंट्स का ऑप्शन, जैसे कि ये देखो शो हो रहा है। यहाँ पे हम इस तरीके से टैप करते हैं, टैप करने के बाद यहाँ पे ऊपर ही मिल जाएगा ब्राउज अदर डॉक्यूमेंट, यहाँ पे हम क्लिक करते हैं इस तरीके से। अब दोस्तों यहाँ पे वो फोटो आपको ले लेना होगा जो भी आप शेयर करना चाहते हैं। तो चलिए दोस्तों इस तरीके से मैं ये वाला शेयर करना चाहता हूँ, यहाँ पे हम टैप करेंगे और यहाँ पे सेंड पे क्लिक कर देंगे। जैसे ही हम सेंड पे क्लिक करेंगे तो ये इस तरीके से सेंड हो जाएगा। यहाँ पे जब कोई भी क्लिक करेगा तो इस तरीके से क्लिक करेगा वो, और यहाँ पे जब सिलेक्ट करेगा अपना प्रो फोटो वाला कोई भी ऐप, जैसे कि मैंने सिलेक्ट किया, तो इस तरीके से फ़ोटो खुल के आ जाएगा। यहाँ पर एकदम फुल HD की क्वालिटी में यहाँ पहुँच जाएगा सिंपल तरीके से, कोई भी उसे प्रॉब्लम भी नहीं आएगी। दोस्तों इस तरीके से आप WhatsApp पे डॉक्यूमेंट से फोटो कैसे भेज सकते हैं मैंने बता दिया है। दोस्तों इजीली तरीके से आप भेज पाए होंगे, कोई भी आपको प्रॉब्लम नहीं आई होगी। दोस्तों ये एकदम ऐसा तरीका है, जेन्युइन तरीका है, जहां से आप अपने फोटो की बिल्कुल क्वालिटी खराब नहीं कर सकते और वो चला जाएगा सिंपल तरीके से। यहाँ पे GPG लिंक बन के जाता है। अब आपके फोन में GPG लिंक सपोर्ट होनी चाहिए दोस्तों, अगर नहीं है तो प्ले स्टोर से जाके GPG ऐप आपको डाउनलोड कर लेना होगा, सिंपल तरीके से ये सपोर्ट भी करने लगेगा। तो दोस्तों मिलता हूँ फिर से एक नई वीडियो लेके। कोई भी प्रॉब्लम आपको आ रही है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर बताएं। मैं मिलता हूँ फिर से एक नई वीडियो लेके आपके लिए, तब तक के लिए मैं आपसे विदा लेता हूँ। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।